Hello everyone. My name is Dr. Rakesh, alumni of Aurum Extended Medical University, currently practicing doctor in Delhi Government Hospital. तो अभी कुछ प्राइवेट कॉलेज के जो एजेंट है वो मार्केट में एक नया लेटर सर्कुलेट कर रहे हैं. उस लेटर का काम है बच्चों को डराना और एडमिशन से उनको रोकना. लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, अब्रॉड में एडमिशन लेने वाले बच्चे तो वो है जिनका बजट 20 से 30 लाख में है, लेकिन वो प्राइवेट कॉलेज के जो एजेंट बैठे हुए हैं, जो इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में सीट भरने के लिए बैठे हुए हैं और गिद्ध की तरह नजर गिराए हुए हैं उन बच्चों के ऊपर में जो एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, उनको डाइवर्ट करने के लिए आप यहाँ पे जाओगे तो आपको 8 ईयर का कोर्स हो जाएगा, उधर करोगे तो आपके कोर्स ड्यूरेशन 9 ईयर का हो जाएगा. सच्चाई इनसे काफी अलग है. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक लेटर शेयर करने वाला हूँ और स्क्रीन पे ये लेटर दिखने वाली है. रशिया के बारे में बताता हूँ मैं. ये लेटर है डेट 16th November 2023. ये लेटर रशिया के हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से रशिया के जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहां पे दिया गया था और उनको बताया गया था स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए. ये डायलॉग्स आपने शायद मे भी बहुत कम जगह पे इस लेटर के बारे में, इन चीजों के बारे में आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ. और इससे पहले भी मैंने अपने पुराने वीडियोज में बताया था जो रशिया में जो आपका टोटल कोर्स का ड्यूरेशन है, जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, जो रशिया के अंदर के एमबीबीएस जो है वो 6 ईयर का जो इंटर्नशिप है विद 1 ईयर क्लिनिकल रोटेशनल इंटर्नशिप वो वैलिड नहीं है. ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा, एक बहुत ही बड़ा स्कैम किया जा रहा है प्राइवेट कॉलेज के एजेंट के द्वारा, ताकि आपको फोर्स किया जा रहा है तो 30 लाख खर्च ना करके 1 करोड़ खर्च करो और प्राइवेट कॉलेज की सीट को फिल करो. देखो बहुत वो दिन दूर नहीं जो इंडिया के जो बीटेक के कॉलेज प्राइवेट कॉलेज की जो हाल हुई है ना, जो ताला लग गए हैं, वही हाल इंडिया के ऐसे प्राइवेट कॉलेज का होने वाला है जहां पे सीट्स करोड़ों में बिकते हैं और जहां पे करोड़ों में डाल के बच्चों को डॉक्टर बनाया जाता है. और बेसिक फैसिलिटीज के मामले में वहां पर ना डॉक्टर है, ना प्रोफेसर है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे वहां पे कुछ फैसिलिटीज है, और पेशेंट के नाम पे कुत्ते घूमते हैं उसके अंदर में. तो आपको खुद ही कंसिडर करना चाहिए. और ये लेटर में बता रहा हूं मैं आपको साफ साफ, रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री ने रशियन यूनिवर्सिटीज के जो रेक्टर्स हैं उनको भेजा गया है. उसमें साफ साफ ये बताया गया जो आपका जो करिकुलम है स्टूडेंट को कैसे टोटल जो इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 ईयर का सेपरेट वो होना चाहिए, प्लस में करिकुलम में कैसे चेंज होगा. तो टोटल जो चेंजेस होने वाला है वो ये है, जो 5 ईयर का जो कोर्स होगा वो एकेडमिक होगा और 1 ईयर का जो लास्ट ईयर का जो इंटर्नशिप होगा टोटली इंटर्नशिप होगा उसका. इसमें एक और चीज मैं बता दूं, देखो टेप एक सैंपल के तौर पे भी दिया गया है, जो एक बच्चे का सैंपल के तौर पे, ये भी किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, मैं नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करने वाला, जो किस मंथ का कैसे 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 कहां पे इंटर्नशिप होने वाला है. तो गाइस इस टाइप के जो भी प्रोपेगेंडा प्राइवेट कॉलेज के दलालों के द्वारा किया जा रहा है इनसे बच के रहें, और रशिया में आप एडमिशन ले सकते हैं और आपका जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है वो 6 ईयर है इंक्लूडिंग 1 ईयर क्लिनिकल रोटेशनल इंटर्नशिप. और ये डॉक्टर राकेश जब भी आपको कुछ बताता है विद प्रूफ, वैलिड प्रूफ. और ये पीडीएफ भी मैं अटैच करने वाला हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एज वेल एज जो स्क्रीन के बैकग्राउंड में आपको ये पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ट्रांसलेटेड वर्जन आपको मिल जाएगा, प्लस में इंग्लिश वर्जन भी जो कि उसके एक्चुअल कॉपी है दोनों मिल जाएगा. तो गाइज ये जो प्रोपेगेंडा इनसे दूर रहिए. आप जिस भी कॉलेज में, जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी कंसल्टेंसी, जिस भी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, आपकी डिग्री रशिया में सेफ है, क्योंकि रशिया या कोई भी कंट्री में एक ही पॉलिसी, एक ही रूल, एक ही रेगुलेशन होता है. जैसे इंडिया के अंदर में एनएमसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सेम है, बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेज इंडिया के अंदर में सेम पॉलिसी है सारे इंडियन सिटीजन के लिए, इसी तरह रशिया के अंदर भी चाहे आप समारा जाइए, कजान जाइए, कजान फेडरल जाइए, नॉर्दर्न जाइए, ओरनबर्ग जाइए, या कुबान जाइए, उरवाल जाइए, या कबाडिनो जाओ, हर जगह पे एक ही पॉलिसी है, एक ही रूल्स है, एक ही रेगुलेशंस है, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज है. रशिया में आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलने वाला. बट बहुत ही जल्दी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ उन कंट्री को स्पेशली आपको मैं रेकमेंड करूंगा जो मत जाओ वहां पे, क्योंकि देखो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है एनएमसी की गाइडलाइंस है जो आपको कंसीडर करना चाहिए. यू शुड दैट कंट्री शुड कंसीडर यू एज एलिजिबल कैंडिडेट टू गेट लाइसेंस आफ्टर ग्रेजुएशन.
फ्रॉम दैट कंट्री जहां से आप एमबीबीएस कर रहे हैं। इस चीज को लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं और ये बहुत ही बड़ा रिग्रेट करने वाला है। मैं इस चीज के बारे में आपको बताऊंगा बच्चा क्यों रिग्रेट करने वाला है बहुत ही जल्दी, ऐसे एक से दो साल के अंदर में ये सारे जो प्रोपेगेंडा है ना, वो जो फॉल्स चीजें जो करवा के लोग बाकी कंट्री जैसे जॉर्जिया वगैरह है इस पे एडमिशन करवा रहे हैं ना, ये बहुत ही जल्द मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ कंपैरिजन कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड जॉर्जिया, आपको कौन सी कंट्री कंसीडर करना चाहिए विद वैलिड पॉइंट, कोई भी वैलिड जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके साथ में। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं स्पेसिफिकली फॉर एनी यूनिवर्सिटी एनी कंट्री कजाकिस्तान किर्गिस्तान के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि मैं कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।